नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को फतह करने के लिए सभी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दंगल को फतह करने के लिए एक और जहां बीजेपी ने दिसंबर तक का एक्शन प्लान तैयार कर दिया है। बीजेपी सभी 70 विधानसभाओं में विजय संकल्प यात्रा निकालेगी। ये यात्राएं दिसंबर महीने में शुरू होंगी। इससे पहले पार्टी 20 से 30 नवंबर को प्रदेश और जिला कार्य समितियों की बैठक करेगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी ने अपने भावी चुनावी कार्यक्रमों पर मुहर भी लगाई है। क्या कुछ खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। साथ ही चुनावी दंगल को जीतने के लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है। इसी रणनीति के तहत सत्ताधारी बीजेपी ने दिसंबर तक का इलेक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत बीजेपी सभी 70 विधानसभाओं में विजय संकल्प यात्रा निकालेगी। ये यात्राएं दिसंबर महीने में शुरू होगी। इससे पहले बीजेपी 20 से 30 नवंबर को प्रदेश और जिला कार्य समितियों की बैठक करेगी। साथ ही उत्तराखंड की चुनावी सियासत गरमाने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के दौरे पर कुमाऊं में डेरा जमाएंगे। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देहरादून आए हैं और अभी उनको चमोली जिले में जाना है। वहाँ हमारा सैनिकों का कार्यक्रम है, उनके लिए वहाँ पे जा रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सैनिक कल्याण मंत्री वहाँ पे पहले ही जा चुके हैं। अब चुनाव बिगुल बज चुका है, हम तो पहले से ही तैयारी करते आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे हमारा बूथ स्तर हो, चाहे मंडल स्तर हो, जिला स्तर हो, एक टीम के तहत काम करते हैं और कार्यकर्ताओं को सजग रहने के लिए कह दिया गया है। हमारी बैठकें का दौर शुरू हो गया है और कल भी प्रदेश के पदाधिकारियों की बहुत ही अहम बैठक के रुद्रपुर में होने वाली है। बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया है, आइए जब उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 20 से 30 नवंबर को राज्य और जिला कार्य समितियों की बैठक होगी। 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक मंडल कार्य समितियों की बैठक। 15 से 20 दिसंबर तक मध्य विधानसभाओं का सम्मेलन। दिसंबर महीने में घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे जाएंगे और रथ यात्रा निकाली जाएगी। 15 से जनवरी महीने तक नुक्कड़ सभाएं होंगी। 1 दिसंबर से 70 विधानसभाओं में विजय संकल्प यात्रा आयोजित होगी। सत्ताधारी दल बीजेपी के बाद विपक्षी दल भी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसी के तहत कांग्रेस सदस्यता अभियान, गांव गांव कांग्रेस अभियान के तहत जनता के बीच जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो राज्य भर में रोजगार गारंटी यात्रा निकाल रही है। साथ ही सियासत को गरमाने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के साथ कई बड़े नेता उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। देखिए, बड़े नेताओं का जहां तक सवाल है, बड़े नेताओं का कितना इफेक्ट रहता है ये अपने आप में जांचने की चीज़ है। हाँ, पहले हम लोग बेवकूफ़ बन चुके उत्तराखंड के लोग, जेपी नड्डा जी आज आ रहे हैं ज़रूर, लेकिन जब अमित शाह और मोदी जी आए और डबल इंजन की बात की थी, 4.5 साल 5 साल हो गए, डबल इंजन का क्या इफेक्ट है उत्तराखंड की जनता ने देख लिया। तो अब बार बार छलावे में लोग नहीं आने वाले। कितनी बड़ी मजबूरी इस समय बीजेपी की आ चुकी है कि उनको विजय संकल्प यात्रा के रूप में यात्राएं निकालनी पड़ रही हैं उत्तराखंड में, क्योंकि पिछले 4.5 साल में उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जनता को उनके कामों को देखकर वो जनता से वोट मांगने के लिए जा पाए। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि विजय संकल्प यात्रा निकाल कर आप जनता को क्या बताना चाहेंगे। ये बताएंगे कि पिछले 5 सालों में हमने सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। कुल मिलाकर चुनाव को जीतने के लिए सभी दल अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। देखना होगा 2022 में इन तैयारियों का कितना फायदा होगा। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनावी रण में ताल तो ठोक रहे हैं, मगर जनता ही फैसला करेगी कि वो किसे अपना सरमोर मानती है। देहरादून से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिष्ट के साथ सुभाष गौड़ की रिपोर्ट। गदरपुर के एक होटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के जयपुर से आदर्श नगर सीट से विधायक रफीक खान का स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस पर्यवेक्षक रफीक खान ने कहा कि आज गदरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से शिष्टाचार भेंट की गई।
और कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीतियों पर चर्चा हुई है। और जितने भी कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो आज यहां पर पहुंचे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की नीतियों और नेताओं के बारे में भी फीडबैक लिया गया है। गदरपुर की तस्वीरें, रफीक खान का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। यहां पर चर्चा भी हुई है। चर्चा में साफ तौर पर कहा गया है कि कांग्रेस की जो रणनीति है उसे और ज्यादा मजबूत बनाना है, जिसको लेकर चर्चा की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि अभी टिकटों का डिसीजन होना और अभी तय होना, इसमें बहुत दूरी है। अभी विचार विमर्श होगा, पार्टी के कैंडिडेट यहाँ सबसे बातचीत की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की ओपिनियन ली जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष की ओपिनियन ली जाएगी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, ऑब्जर्वर्स हैं। तो अभी समय टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, अभी समय है कांग्रेस के लिए अलग जगाने का। जो मुद्दे हैं आज की तारीख में, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन ज्वलंत मुद्दों को जनता के बीच ले जाने का। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार, दुर्गापुर, तड़केश्वर नगर में युवाओं ने बड़े धूमधाम के साथ क्षेत्रीय ग्यास पखवाल मनाया। महामंत्री गौरव जोशी ने बताया कि हमारी संस्कृति, हमारी विरासत के तहत ये लोक पर्व हमको मनाना ही चाहिए और पवित्र आस्था के प्रतीक लोक पर्व इगास बगवाल की देश विदेश और प्रदेश में सभी उत्तराखंड वासियों, माता बहनाओं और भाइयों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। कार्यक्रम संयोजक पूर्व प्रधान लक्ष्मण बीच ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इगास पर्व पर अवकाश घोषित करने पर आभार भी व्यक्त किया है। उत्तराखंड में आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी कड़ी में लालकुआं विधानसभा से वरिष्ठ बीजेपी नेता और मौजूदा समय में कुमाऊं मीडिया प्रभारी के दायित्व का निर्वहन कर रहे उमेश शर्मा ने भी अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि वो पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं और 2007 से 2012 तक जिला पंचायत सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें उम्मीद है कि पार्टी आलाकमान उन्हें टिकट देने के प्रति सकारात्मक रुख अपना सकती है। लालकुआ की तस्वीरें, अपनी दावेदारी पेश करने में सभी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार अपने कारों का बखान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसा है, विगत 5 साल से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इस डबल इंजन की सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य क्षेत्र के लिए किए हैं और भविष्य में भी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जिनका निराकरण आप कह रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है, उसमें भी प्रयास सरकार कर रही है और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, उन समस्याओं का भी हम निराकरण करेंगे। आम आदमी पार्टी ने उधम सिंह नगर के जसपुर से किसान संकल्प यात्रा का आगाज किया, जिसका शंखनाद पंजाब के सांसद भगवंत सिंह मान ने किया। उन्होंने संकल्प यात्रा से पहले किसानों के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है, जिसमें 7 घोषणाएं किसानों के लिए की गई हैं। 3 सूत्रीय किसानों की मांगों के समर्थन के साथ ही मुआवजा राशि में बढ़ोतरी, शुगर मिलों को पुनर्जीवित करने और गन्ना मूल्य का समय से भुगतान सहित कई घोषणाएं इस मौके पर की गई हैं। तो उधम सिंह नगर की तस्वीरें, जहां पर 17 तारीख को किसान संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर ये यात्रा निकाली जाएगी। दरअसल आम आदमी पार्टी जो है पुरजोर तरीके से 2022 के चुनाव को लेकर उत्तराखंड में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। हम पहले तो एक नशे के विरुद्ध, अपने खटीमा में जो नशा फैल रहा है उसके विरुद्ध एक बच्चों को बुला के रेस करवा रहे हैं, जिसमें जनता को जागरूक करेंगे भी नशा छोड़ो, सेहत बनाओ, इसलिए करेंगे। उसके बाद भगवंत मान जी उनके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और यहाँ कुछ ठारू समाज से कल्चर से औरतें आएंगी और वो ठारू समाज के कल्चर को बढ़ाएंगी, फिर पर्वत समाज से औरतें आएंगी, वो पर्वत समाज के कल्चर के बारे में कुछ भगवंत मान जी के को सम्मानित करेंगी और ऐसे करके काफ़ी हमारी तैयारी हो चुकी है। और इस चीज़ को लेते हुए हम लगभग यहाँ से 12 बजे के लगभग 11:30 बजे यहाँ से जो यात्रा है वो निकाल देंगे।
दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम सहित आपके उत्तराखंड के शीर्ष नेता विधानसभा ज्वालापुर के गांव मीरपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, लेकिन इस जनसभा में क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को कोई जगह नहीं दी गई। जब मंत्री जी और हरिद्वार के आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को मीडिया से रूबरू होने के लिए कहा गया तो मंच पर खड़े उनके समर्थकों ने मंत्री जी का वर्जन लेने से ये कहकर टाल दिया कि अभी सब लोग दिल्ली से थक कर आए हैं, अभी मीडिया के सवाल जवाब के लिए किसी के पास समय नहीं है। हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जो आप नेता हैं वो मीडिया से रूबरू नहीं हुए, जिसको लेकर काफी रोष देखने के लिए मिला है। ये कहकर टाल दिया गया कि सभी जो यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं, जो नेता पहुंचे हैं, वो थके हुए हैं, जिस वजह से वो अभी मीडिया के सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। चमोली की पिंडर घाटी में स्थित विकासखंड देवाल का सैनिक बाहुल्य गांव सवार से शुरू हुए सैनिक सम्मान यात्रा की शुरुआत करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री गणेश जोशी, राज्य रक्षा अजय भट्ट के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे। इस मौके पर सैकड़ों पूर्व सैनिकों शहीदों के परिजनों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। अपने संबोधन में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वो सवार गांव आकर अपने आप को बेहद ही भाग्यशाली मानते हैं। चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सवार गांव में सैनिक सम्मान यात्रा शुरू हुई, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हुए हैं। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, देशभक्तों की भूमि है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वार हो, चाहे 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, ताज पर हमला हो, संसद पर हमला हो, कोई ना कोई जवान उत्तराखंड से शहीद होता है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है और आज हमारी सरकार शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम देहरादून में बनाने जा रही है। सवाड़ ऐसा गांव है जहां प्रत्येक परिवार से एक सैनिक है और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और तमाम जो बड़ी लड़ाइयां हुई उनमें यहां का जो वीर सैनिक है वो शहीद हुआ है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी और पुष्कर सिंह धामी जी ने जो पंचम धाम सैन्य धाम देहरादून में बनाने का जो निर्णय लिया है उस निर्णय का हम सब लोग स्वागत करते हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है पूरे प्रदेश में जो सैन्य सम्मान यात्रा सवार वीरों की भूमि सवार से होकर जा रही है। बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम इस सवार गांव के नागरिक हैं। इतिहास रहा है कि यहां के वीरों ने अपने प्राणों को न्यौछावर दिया है। योग की इंटरनेशनल राजधानी कहे जाने वाले जिला टिहरी गढ़वाल के मुनि की रेती स्थित शीशम झाड़ी क्षेत्र में एक और विहंग योग अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र खुल गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी और संत प्रवक्कर विज्ञान देव महाराज ने कर दिया। मौके पर संत प्रवक्कर विज्ञान देव महाराज ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि योग से शरीर को निरोगी बनाया जा सकता है। लगातार देश और विदेश के प्रशिक्षु योग सीखने के लिए मुनि की रेती पहुंच रहे हैं। देश की इस पावन भूमि में, देवभूमि उत्तराखंड के इस आंगन में विहंगम योग आश्रम की स्थापना हुई है, इसका उद्घाटन हुआ है। इसी पावन अवसर पर आज हम सब आप सबों से वार्ता कर रहे हैं। हमारी संस्कृति अत्यंत समृद्ध है, जिसने विरासत के रूप में हमें अध्यात्म को सहज रूप से प्रदान किया है। जन जन तक, मन मन तक प्रेम का, शांति का, मैत्री का, करुणा का, भाईचारे का संदेश पहुँचे। हम भारतीय रंग में रंग कर अपने उच्च आदर्श पर निरंतर गतिमान रहे, इसी पावन उद्देश्य के साथ आश्रम स्थापित हुआ है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने मतदान जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रथों के जरिए, नुक्कड़ नाटक के जरिए मतदान के महत्व और मतदाता सूची से नाम जुड़वाने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। उत्तराखंड में यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा और ये रथ कई क्षेत्रों से घूमकर युवाओं को जागरूक करेगा। इसके साथ ही 1 जनवरी तक 18 साल पूरे करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए भी बताया जाएगा। 2022 में विधानसभा चुनाव, तो ऐसे में मतदाताओं पर भी पूरा फोकस हो रहा है। जो लोग
जनवरी में 18 साल के होंगे, उनको कैसे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना है, इसको लेकर एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस अभियान के तहत जगह जगह ये जो अभियान यात्रा है वो जाएगी, और इस यात्रा के तहत लोगों को जागरूक भी किया जाएगा ताकि वो मतदान करें और साथ ही साथ जो सूची है उसमें अपना नाम भी जुड़वाएं। नवंबर 1 से नवंबर 30 तक हमारा समरी रिवीजन चल रहा है, 1/1/2022 को क्वालिफाइंग डेट रखते हुए जो भी 18 साल तक वहाँ पे होंगे तो उनका सभी का हम फॉर्म्स ले रहे हैं, तो जहाँ पे भी हमारा जेंडर रेशियो एडवर्स है वहाँ पे भी ये रथ हम भेज रहे हैं, जो एक गढ़वाल मंडल के लिए है और एक कुमाऊं मंडल के लिए है। तो उसका जो चार्ट रूट है वो देहरादून से विकासनगर, विकासनगर से चक्राता, चक्राता से त्यूनी, एक त्यूनी से पुरोला, पुरोला बारकोट, बारकोट से उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से टेहरी, टेहरी से घनसाली, घनसाली से तिलवाड़ा, तिलवाड़ा से अगस्त्यमुनि, अगस्त्यमुनि से ऊखीमठ, ऊखीमठ से रुद्रप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग से गौचर, गौचर कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग श्रीनगर, उसके बाद श्रीनगर से पौड़ी, सतपुली और लैंसडाउन, और उसके बाद कोटद्वार, हरिद्वार और बहरादाबाद और लक्सर, रूरकी और भगवानपुर, ये हमारा गढ़वाल का होगा। नैनीताल में सामाजिक संस्था लायंस क्लब ने कैबिनेट बैठक की। आपको बता दें कि नैनीताल और आसपास आई आपदा के बाद पर्यटन को पटरी पर लाने और पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ नैनी झील के बीच में ये कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। विश्व भर में 14 लाख सदस्य वाले लायंस क्लब के सदस्यों ने नैनीताल में अपनी विशेष बैठक की। उत्तर भारत के अलग अलग शहरों से आए सदस्य सुबह से ही नौकाओं में सवार होकर नैनी झील पहुंचे। सदन की तरह ही झील में बैठक शुरू हुई और क्लब के एजेंडे से संबंधित विचार रखे गए। सदस्यों ने पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी बिंदुओं पर भी चर्चा की है। नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लायंस क्लब ने नैनी झील में एक कैबिनेट बैठक की है, बैठक में कई लोग शामिल भी हुए हैं। पर जाकर के कैबिनेट मीटिंग करना इस बात के लिए कि हम सब लोग पर्यावरण के लिए कितना दायित्वबोध रखते हैं, और वहाँ हम सब ने चर्चा इसी बात पर की कि हम सब पर्यटक के रूप में यहाँ आए हैं, पर्यटक के रूप में हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि मीटिंग तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन हमने नैनीताल को चुना ताकि यहाँ के लोगों का आर्थिक रूप से मजबूती हो, यहाँ का वातावरण लोगों तक जाए, लोग यहाँ सीख के जाएँ, जान के जाएँ, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक यहाँ और आए, इस बात के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग रखी। ग्लोबल वार्मिंग पर हम लोगों ने एक टॉक किया वहाँ पर, ताकि हम वातावरण के प्रति जो हमारी दायित्व है उनके प्रति लोगों को, समाज को इस संस्था के माध्यम से कैसे समझा सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। यद्यपि लायंस इंटरनेशनल के एनवायरनमेंट का प्रोग्राम, आज वर्ल्ड डायबिटिक डे है, डायबिटीज़ का प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम हमारे इंटरनेशनल ने बहुत पहले से ले रखे हैं। रुद्रप्रयाग में कोविड के दौरान जान जोखिम में डालकर वैक्सीनेशन करने वाली एएनएम कर्मियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आउटसोर्स कंपनी के जरिए नए एएनएम की भर्ती की जा रही है, जबकि जो पूर्व में तैनात हैं उन्हें हटाया जा रहा है। कोविड काल में दिन रात दूर दराज वाले गाँव में कार्य करने के साथ महीने बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं दिया गया, और अब बिना विज्ञप्ति प्रकाशित किए आउटसोर्स कंपनी के जरिए नए एएनएम की भर्तियां की जा रही हैं, जिसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रही हैं। उनका कहना है कि उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं। हमको यहाँ पे अप्रैल में ज्वाइनिंग दी थी उपनल के थ्रू, और वैक्सीनेशन के लिए जहाँ जहाँ रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में 27 पद खाली हैं, तो उन पदों पे हमें वो ज्वाइनिंग दी थी कोविड वैक्सीनेशन के लिए। और वैक्सीनेशन होने के बाद ये लोग आउटसोर्स कंपनी से, ये जब वैकेंसी फुल है तो ये आउटसोर्स कंपनी से ये दोबारा से वो कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ये तो सर अन्याय है सर हमारे साथ। और दूसरी चीज़ सर, परमानेंट पोस्टें अभी तक नहीं निकली एनम की, जबकि पूरे उत्तराखंड में एनम की पूरे उत्तराखंड में बहुत पोस्टें खाली हुई हैं। 2009 से अभी तक एनएम की कोई भी पोस्टें खाली नहीं हुई है। मोदी जी ने कहा था जो कोविड में 3 महीने नौकरी कर ड्यूटी करेगा तो उसको
हम परमानेंट करेंगे। परमानेंट कहाँ सर, ये हमको तो टेम्परेरी इसमें भी नहीं रख रहे हैं, ऊपर से ये आउटसोर्स कंपनी को ला के ये उसमें सिलेक्शन कर रहे हैं, ये तो हमारा शोषण हुआ सर। एक्चुअली जो है हम लोगों की जो ज्वाइनिंग हुई थी वो उपनल के माध्यम से हुई थी, इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी पेपर में, फिर हम लोगों ने इसमें ज्वाइनिंग ली थी और उसके बाद जो है हम लोगों ने इसमें काम किया। ये हमारे पास था लगभग फरवरी 2022 तक के लिए हम लोगों को रखा गया था और मतलब 26 पद हम लोगों के फुल हुए थे इसमें, 26 लड़कियों का इंटरव्यू हुआ था, सिलेक्शन हुआ था 26 के बाद। जो है अब इन लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने जब इन लोगों को पूरा वैक्सीनेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया अपना, वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद ये लोग TNM की कोई प्राइवेट कंपनी है उसको यहाँ पे ला के उसके इंटरव्यू करवा रहे हैं और हम लोगों को घर का रास्ता दिखा रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।